8,700 और उससे ज्यादा के ग्रेड वाले सरकारी अफसरों के लिए फ्लैट्स का सपना अब अगली सरकार के कार्यकाल में पूरा हो सकता है। जहां ओल्ड एमआर ईस्टी कैंपस में रहने वाले 18 आवंटियों पर दीपावली के मौके पर बेघर होने की आशंका और आवास आवंटन निरस्त होने का संकट खड़ा है, वहीं पहले ही देरी से चल रहे इस प्रोजेक्ट के शुरू होने पर ही तलवार लटक गई है। क्यों, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सरकारी कर्मचारियों को जयपुर में काम करने पर सरकारी आवास मिलना अब दूर की कौड़ी हो गया है। 100 से 500 तक की वेटिंग के चलते राज्य में ओल्ड एमआरईसी के 39 आवास तोड़कर फ्लैट्स बनाने की योजना बनाई गई, लेकिन इस योजना में शुरू से ही संकट के बादल मंडराते रहे। दरअसल जीएडी की ओर से आवास मुहैया कराए जाते हैं और इसमें अलग अलग श्रेणी के सरकारी कर्मचारी अधिकारी शामिल होते हैं। बड़ी वेटिंग से आईएएस अधिकारियों को भी आवास नहीं मिल पाता, कई बार आउट ऑफ टर्न आधार पर आवास का आवंटन होता है। ऐसे में 2016 में तत्कालीन सीएस की अध्यक्षता में बैठक हुई और ओल्ड एमआरईसी कैंपस के 39 मौजूदा आवास को तोड़ना तय हुआ। इन आवासों की जगह बहुमंजिला फ्लैट्स बनाना तय किया। उधर फ्लैट्स की प्रस्तावित भूमि का लैंड टाइटल क्लियर नहीं था, तत्कालीन सीएस ने लैंड टाइटल विवाद दूर करने के निर्देश दिए। कमेटी बनाकर मुद्दे को दूर करने के लिए जेडीए को कहा था। पूरी जमीन का टाइटल एमआरईसी के नाम पर था, लेकिन प्रस्तावित भूमि का अलग से लैंड टाइटल नहीं था। ऐसे में लैंड टाइटल क्लियर कराने में एक साल से अधिक वक्त लगा। प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई तो एक और समस्या आ गई। कुल 39 में से 18 आवास पहले से ही खाली थे। 18 आवंटियों को आवास खाली करने का नोटिस दिया, लेकिन शेष 3 आवास वरिष्ठ पत्रकारों के हैं और इनके मामले अदालत में होने से कार्रवाई नहीं हो रही। हालांकि जीएडी ने 3 पत्रकारों को छोड़कर बाकी 18 आवंटियों को नोटिस दिया और 25 अक्टूबर तक आवास खाली करने को कहा। साथ ही पानी बिजली कनेक्शन काटने की भी चेतावनी दी और पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स को कनेक्शन काटने के लिए भी कहा। ऐसे में ओल्ड एमआरईसी से जुड़ी सोसाइटी सदस्यों ने गुहार लगाई और सीएसडीबी गुप्ता से दीपावली तक कार्रवाई रोकने की मांग की। अब इन आवंटियों का आवास आवंटन निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस ताजा निर्णय के बाद ओल्ड एमआरईसी निवासियों की परेशानी और बढ़ सकती है। स्थानीय निवासी जहां जीएडी की इस कार्रवाई को आचार संहिता का उल्लंघन बता रहे हैं, वहीं दीपावली के चलते यह पूरी प्रक्रिया टाली भी जा सकती है, लेकिन इस मामले में पसोपेश का दौर जारी है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।